अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। तो जनाब, आज मैं बेहतरीन सी दाल बनाने की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो आप घर में झटपट तैयार कर सकते हैं और अचार के साथ खा सकते हैं। तो रेसिपी यह है कि आपने कुकर के अंदर 1.5 किलो पानी डाल लेना है। जो लोग कुकर यूज़ करने में कम्फर्टेबल नहीं है, तो नो इशू, आप लोग पतीली में भी कर सकते हैं। तो आपने ये जनाब 1.5 किलो पानी लेना है, जो नॉर्मली हमारे 3 मग बनते हैं, तो आपने वो ले लेना है। कुकर के अंदर पानी ऐड करना है। नीचे से हमने फ्लेम ऑन कर दी है। इसकी करने के बाद हमारा पानी हमने इसके अंदर कुकर के अंदर ऐड कर दिया है। अब फिर इसके अंदर हम नमक डालेंगे और मिर्ची वगैरह, यानी जो मसाला होता है। तो अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। ये देखें, 1 चम्मच तकरीबन हमने इसके अंदर नमक डालना है, पानी के अंदर ही नमक डालना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर 2 चम्मच लाल मिर्चें डालनी है, सुर्ख मिर्चें। ये हमने इसके अंदर 2 चम्मच लाल मिर्चें डाल दी हैं, सही है। और इसके बाद हमने 1/2 चम्मच हल्दी डालनी है। और आपको पता है, दाल के अंदर हल्दी जो है ना, वो कंपल्सरी पार्ट है इसका। मतलब कि हल्दी ना हो तो दाल मज़े की नहीं होती। तो इसके अंदर हमने 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है। उसके बाद जनाब, ये देखें, ये लहसुन है, हमने तकरीबन 1 जो पोथी होती है पूरा 1, और उसके बाद 2 प्याज हमने काट के, और इसके अंदर जो हरी मिर्ची हमने ऐड कर दी। और ये लाल और पीली दाल, जिसे हरफे आम में कहते हैं, या मूंग मसूर की दाल जो कहते हैं, ये हमने तकरीबन 1/2 घंटे तक के लिए डिप की थी, और अब हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी है दाल, और बहुत ईजी रेसिपी है, कोई इतना इसके अंदर मुश्किल नहीं है। और इसके बनने के बाद हमने कुकर का ढक्कन कर देना है, और इसे एहतियात के साथ आपने यूज़ करना है, और इसके ऊपर वेट लगा देना है। तकरीबन 5 मिनट का हमने वेट लगाना है, और 5 मिनट में हमारी गरम गरम दाल तैयार हो जाएगी। और दाल के लिए जो ये तड़का है, ये तो कंपलसरी होता है, आपको पता है। तो हमने एक घी लेके उसके अंदर तकरीबन हमने 2 चम्मच घी लिया, और उसके अंदर हमने ये थोड़े से प्याज डाले हैं और लहसुन डाला है। अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक करना है, पकाना है। तो ये जनाब हमारे ये प्याज भी ऐड हो चुके हैं, और हर चीज़ अब ये ब्राउन हो रहे हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने लहसुन, और ये हमारी दाल का वेट खुल चुका है, और ये हमारे जो लहसुन है और प्याज है, ये ब्राउन हो रहे हैं। तो हमने इसको अच्छा सा प्यारा सा कलर देना है, कि हमारी जो दाल के ऊपर ये आए तो बहुत प्यारा तड़का। और जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए लहसुन की, तो जब तक आपने इसको पकाना है। तो ये देखें, हमारी दाल जो हमने 5 मिनट के वेट के बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने एहतियात से इसका ढक्कन खोल लिया, और इधर से हमारा तड़का भी बिल्कुल रेडी है। अब हमने यही तड़का इसके अंदर ऐड करना है, सही है। तो अब हम ये इसके अंदर तड़का ऐड करने लगे, और ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, ज़बरदस्त। इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, और ये इसके अंदर तड़का ऐड हो चुका है, और ये दाल बहुत VIP और बहुत जल्दी बन जाने वाली दाल है। और इसके अंदर अब हम हरा धनिया डालेंगे, ताकि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो ज़बरदस्ती दाल सैलेड के साथ आप लाजमी खाएं। तो ये सैलेड है, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है, इसको अचार के साथ खाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़।